ये दो बीवियां जो है ना, ये कॉन्सेप्ट के लिए रखी हुई हैं, व्यूज़ के लिए रखी हुई हैं, और इनके घर में झगड़े होते होते हैं, ये सिर्फ ड्रामा करते हैं कि भाई हम तो एक साथ रहते हैं। मशहूर यूट्यूबर अरमान मलिक सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं। अरमान ने अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से खूब सुर्खियां बटोरी हैं। हाल में अरमान मलिक अपनी दोनों पत्नियों के प्रेग्नेंट होने पर भी काफी लाइमलाइट में रहे थे। लोगों को ये देखकर बड़ी हैरानी होती है कि आखिर अरमान की दोनों बीवियां एक दूसरे के साथ इतनी खुश कैसे रहती हैं। तो आज हम आपको अरमान मलिक की दूसरी शादी के पीछे का रहस्य बता रहे हैं। यूं तो भारतीय समाज में पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी मान्य नहीं है, इसके लिए आपको पहली पत्नी को तलाक देना होगा, वो भी उसकी मर्जी से। ऐसे में अरमान का दो दो बीवी रखना लोगों को हजम नहीं होता है, तो आज हम इसी रहस्य पर बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, आज बात करेंगे सोशल मीडिया स्टार अरमान मलिक के बारे में, क्योंकि ये जनाब बहुत ही बड़े वाले हैं। जहां बंदे से एक बीवी नहीं संभलती, वहीं इन्होंने दो दो बीवियां रखी हुई हैं। लेकिन क्या ये लीगल है? क्योंकि ये भाई जी मुस्लिम नहीं हिंदू है, फिर ये दो शादियां कर सकते हैं? और यह भाई साहब अपनी दोनों बीवियों को लेकर थाने के अंदर होने की बजाय YouTube जैसी जगहों पर क्या कर रहे हैं? आइए जानते हैं। अपनी शादी में पति सज धज कर आए नाचने का मौका हो तो किसे ना मिले, लेकिन पायल को जरूर मिला। पर अपने घर को उजाड़ने वाली इस दूसरी औरत के साथ पायल इतना नाच गाना क्यों कर रही है, और आखिरी अपने पति की दूसरी शादी में इतनी खुश क्यों है? तो दोस्तों, पूरी कहानी शुरू होती है तीन तिगादा काम बिगड़ के ब्रांड एम्बेसडर अरमान मलिक से। इनका जन्म 1990 में राजस्थान के अजमेर में हुआ था। अरमान की पहली पत्नी पायल मलिक है, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1991 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। अरे रुकिए मलिक साहब, की एक और बीवी से आपको मिलना तो भूल ही गए, जो असली फसाद की जड़ है। वैसे तो उनका नाम कबाब में हड्डी होना चाहिए था, लेकिन लोग इन्हें कृतिका मलिक के नाम से जानते हैं, जिनका जन्म 20 मार्च 1994 में दिल्ली में हुआ। दोस्तों, फिल्मों में तो आपने बहुत बार देखा होगा कि लोगों को दो दो बार प्यार हो जाता है, लेकिन इन्होंने तो असल जिंदगी में ही प्यार नाम के शब्द का कबाड़ा करके रख दिया। हालांकि उनकी जिंदगी शुरुआत से इतनी अजीबोगरीब हैरान करने वाले नहीं थी। यह सारी चीज शुरू होती है साल 2011 से, जब पायल एक बैंक में काम करती थी और उस बैंक में अरमान अपने सारे पैसे डालने और निकालने आए दिन पहुंच जाते थे। बैंक में ही आंखों से आंखें मिली और एक दूसरे से मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए। दोनों को एक दूसरे का साथ इतना पसंद आया कि हफ्ते भर में ही दोनों ने समाज की परवाह की बगैर एक दूसरे से शादी फाइनल कर डाली। पायल और अरमान की स्टोरी में भी दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। परिवार वालों को इतनी झपट वाली शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन जिस तरह बाकी भारतीय परिवार के लोग एक बार बच्चों की शादी हो जाने पर उनकी खुशी के लिए राजी हो जाते हैं, ठीक है, वैसे ही पायल और अरमान के परिवार वाले भी उनकी खुशियों में शामिल होने पहुंच गए। और दोस्तों, जरा रुक जाइए, क्योंकि यह वही परिवार है जो आज तो उनकी खुशियों में उनके साथ शामिल है, लेकिन इन दोनों की लाइफ में मुश्किल आते ही सबसे पहले पीछा छुड़ाने वाले भी यही परिवार वाले हैं। और यह कब और कैसे होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप अरमान की फैमिली के बारे में तो जान लीजिए, क्योंकि अरमान की फैमिली में ऑलरेडी कोई नहीं था। उनकी माँ अरमान की शादी के पहले भगवान की प्यारी हो गई थी और अरमान के पिता बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। शादी के बाद अरमान पायल के साथ खुशी खुशी रहने लगे और उसी का नतीजा है कि शादी के साल भर में ही पायल माँ बन गई। लेकिन किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह हमारी आज की कहानी के हीरो हीरोइन की लाइफ में भी दुखों का तूफान आ गया। माँ बनने के वरदान को पाकर एक औरत सबसे ज्यादा खुश होती है। पायल से भगवान ने वही खुशी छीन ली। इनका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले दुनिया को अलविदा कहकर चला गया, जिसके बाद तो पायल और अरमान पूरी तरह से बिखर कर रह गए, क्योंकि उनकी खुशियों में लगी नजर ने इन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया। दोनों ने बड़ी मुश्किलों से खुद को संभाला। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सदमे के बाद पायल को भी और कई सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, जिसकी वजह से आगे चलकर बहुत बार ट्राई करने के बावजूद पायल मां नहीं बन पाई। पर वह दोस्तों कहते हैं ना कि हर समय एक जैसा नहीं होता। इतने समय से दुख झेल रही पायल की जिंदगी में भी खुशियों का दिया जलना बाकी था, और वह दिया बनकर आया चिरायु उर्फ चीकू।
ये बच्चा वह आशा की किरण बनकर आया जिसने उनके सूने घर को फिर से रोशन कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे पिक्चर की हैप्पी पेंडिंग हो गई, पर दोस्तों नहीं, अभी तो खाली शुरुआत है, क्योंकि अरमान मलिक और पायल की जिंदगी में भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने बाकी है। और इन दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान कोई और नहीं बल्कि अरमान की दूसरी पत्नी कृतिका थी। लेकिन बच्चों और बीवी के बीच में अरमान को घर वाली और बाहर वाली खेलने का समय कब मिला? तो जनाब, अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि कृतिका को अपने और अपने बेटे की जिंदगी में लाने वाले अरमान नहीं बल्कि उनकी महान पत्नी पायल है। हाँ, भले ही उनसे गलती अनजाने में हुई, लेकिन इन सारी चीजों की शुरुआत पायल से ही हुई है, जहां साल 2018 की एक पार्टी में म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए पायल और कृतिका की दोस्ती हो गई, वह भी इतनी गहरी कि इन दोनों ने एक दूसरे को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। इसके बाद आए दिन पायल और कृतिका ने एक साथ शॉपिंग से लेकर पार्टी में आना जाना शुरू कर दिया। पर पायल मैडम यही नहीं रुकी, उनकी सबसे बड़ी गलती तो कब हुई, जब इन्होंने अपनी दोस्त कृतिका और अपने पति अरमान मलिक की मुलाकात करवा दी। पहले तो पायल ने कृतिका को एक दिन अपने घर बुलाया, इसके बाद कृतिका का घर पर आना जाना बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब जब चीकू का बर्थडे आया तो फोटो और वीडियो शेयरिंग के चक्कर में कृतिका और अरमान ने भी एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दे दिए। हालांकि अब तक चीज नॉर्मल थी और इन दोनों के अंदर प्यार की आग नहीं लगी थी। एक दिन अपनी कजन की प्रॉब्लम के चक्कर में जब कृतिका पुलिस स्टेशन पहुंची तो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। अब इस कंडीशन में उन्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड पायल के पतिदेव की याद आई, जिसके बाद कृतिका ने तुरंत अरमान को थाने बुला लिया। और अरमान भाई साहब भी भला अपनी साली और आधी घरवाली को कैसे मना कर सकते थे, इसलिए वह भी दौड़े दौड़े कृतिका की मदद करने के लिए पहुंच गए। पुलिस स्टेशन जाकर मैटर सुलझाया और कृतिका को लिफ्ट भी दी। अरमान कृतिका को घर छोड़कर जा रहे थे तभी भाई साहब के अंदर का मर्द जाग गया और उन्होंने तुरंत कृतिका से पूछ लिया, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? यह सुनकर कृतिका बहुत ज्यादा हैरान हो गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अरमान को क्या जवाब दें, क्योंकि अपनी बेस्ट फ्रेंड के पति को अपना बॉयफ्रेंड तो बना नहीं सकती थी। इसलिए कृतिका ने जवाब देने की बजाय बात को वहीं पर टाल दिया। लेकिन भला कोई चीज टालने से कहां खत्म होती है, यह चीज साय की तरह कृतिका के पीछे पड़ गई। जहां कुछ ही समय बाद कृतिका जब अरमान के परिवार और कॉमन फ्रेंड के साथ देहरादून जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, तभी कोई प्रॉब्लम की वजह से प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन कृतिका ऑलरेडी अपने घर से निकल चुकी थी, इसलिए मोहतरमा कबाब में हड्डी बनकर अरमान और पायल के घर पर ही एक हफ्ता रुक गई। और इसी दौरान इन दोनों के बीच का प्यार इतना गहरा गया कि पायल तो छोड़ो, खुद कृतिका और अरमान को भी नहीं पता चला। लेकिन जैसे ही कृतिका और अरमान को अपने प्यार का एहसास हुआ, इन्होंने अपने प्यार को परवान चढ़ाने के लिए डायरेक्ट कोर्ट मैरिज कर ली। जिस तरह अरमान ने एक हफ्ते के प्यार में अपनी पहली शादी की थी, ठीक उसी तरह अरमान ने अपने एक हफ्ते के प्यार में दूसरी शादी भी कर ली। भले ही आज पायल अपनी सौतन बनी सहेली के साथ खुश नहीं है, लेकिन जैसे ही पायल को अपने पति की दूसरी शादी के बारे में पता चला, एक साल के लिए घर छोड़कर चली गई। अब नॉर्मली तो यही होता है कि बंदा अपनी पहली बीवी के जाने के बाद दूसरी वाले के साथ खुशी खुशी रहता है, लेकिन अरमान ने ड्रामेबाजी करनी शुरू कर दी और खुदकुशी तक की कोशिश की। अरमान का कहना था कि पायल की फैमिली, जिन्होंने उन्हें कभी बेटा माना था, उन्होंने पायल को भड़काया। अरमान ने यह तक कह डाला कि पायल राहुल नाम के किसी आदमी के साथ तो रह रही थी। इन सारी चीजों को देखकर लोगों का यही कहना है कि आज ये लोग हंसी खुशी एक परिवार की तरह इसलिए रहते हैं क्योंकि इनकी एक हस्बैंड दो लाइफ वाली कंट्रोवर्सी लोगों को बड़ी पसंद आती है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अरमान का असली नाम संदीप और ये भाई साहब ने दो दो शादियां करने के लिए अपने आप को मुस्लिम धर्म में बदल लिया, क्योंकि इस्लाम धर्म में दो शादी अलाउड है। अब आप बोलेंगे, अगर यह सब इल्लीगल है तो अरमान सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? दोस्तों, उसमें जब तक कोई कंप्लेंट नहीं करेगा तब तक पुलिस एक्शन नहीं ले सकती, और पायल मैडम तो खुद ही खुशी खुशी अपनी सौतन के साथ रह रही है। अब आप अपनी राय हमें दीजिए और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।